वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकी बीज। आज मैं आपके लिए जिस प्रोजेक्टर का रिव्यू लेकर आई हूँ वो हर किसी के बजट में फिट हो जाएगा। पहले मैं इस प्रोजेक्टर का रिव्यू करने से कतरा रही थी क्योंकि मैं सोच रही थी कि इतने कम प्राइस के प्रोजेक्टर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैं गलत थी। हालांकि ये प्रोजेक्टर आता तो 720p रेजोल्यूशन में है, लेकिन इसकी पिक्चर क्वालिटी फुल HD के बहुत ही क्लोज होने के साथ साथ बहुत बढ़िया भी है। अगर आप इसे थोड़ी डिस्टेंस से देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप किसी अच्छे फुल HD प्रोजेक्टर पे ही कंटेंट्स देख रहे हो। इसके अलावा इसमें बहुत सारे हाई एंड फीचर्स भी दिए गए हैं। प्रोजेक्टर की परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे वहां से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है ईगेट कंपनी का विजिटेक एडम 720p नेटिव प्रोजेक्टर जो 1080p रेजोल्यूशन को फुली सपोर्ट करता है। बॉक्स के अंदर प्रोजेक्टर के अलावा एक रिमोट, एक पावर कॉर्ड, एक AV शॉर्ट केबल, एक यूजर मैनुअल और एक वारंटी कार्ड रखा मिलता है। प्रोजेक्टर की डिजाइनिंग की बात की जाए तो ये बहुत ही छोटा सा है और बहुत ही क्यूट भी है। ये प्रोजेक्टर पोर्टेबल फॉर्म फैक्टर में डस्ट प्रूफ डिजाइन के साथ आता है जिसे आप अपने साथ कहीं भी लेकर ट्रेवल कर सकते हैं। इतने कम प्राइस में मिलने वाला ये प्रोजेक्टर कहीं से भी चीप नहीं लगता है, बल्कि इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और देखने में भी ये प्रीमियम लगता है। ये प्रोजेक्टर ग्रे मैट फिनिश में है और आगे की ओर हाई ग्रेड ग्लास लुक ब्लैक पैनल दिया गया है जिसमें ट्रिपल बी शेप लोगो इम्बॉस्ड आता है। लेंस को इसी पैनल में प्लेस किया गया है। आगे की ओर विजिटिंग प्रिंटेड आता है। ऊपर के सरफेस पे ऑन ऑफ बटन के अलावा फोकसिंग के बटन्स भी दिए गए हैं। राइट साइड में वेंस दी गई हैं और पीछे की ओर स्पीकर के प्लेसमेंट के साथ दो USB, एक HDMI और एक हेडफोन जैक के अलावा पावर पोर्ट दी गई है। नीचे की ओर प्रोजेक्टर की डिटेल्स के अलावा ट्राइपॉड माउंट के लिए स्क्रू थ्रेड्स दिए गए हैं और रबर लेग्स के नीचे सीलिंग माउंट का भी प्रोविजन दिया गया है। ओवरऑल लुक्स में ये प्रोजेक्टर बहुत ही अट्रैक्टिव और स्मार्ट लगता है। रिमोट की बात की जाए तो वो भी वेल बिल्ट है जिसमें आपको एसेंशियल बटन्स के अलावा फोकस बटन्स भी मिल जाते हैं। रही कंपनी गिवन फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की बात, तो इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस 3600 ल्यूमेंस है, स्टैटिक कंट्रास्ट रेशियो 2500:1 है और डायनेमिक कंट्रास्ट रेशियो 20000:1 है। इस प्रोजेक्टर में न्यू जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक फोकस के साथ साथ डिजिटल कीस्टोन करेक्शन दिया गया है। ये प्रोजेक्टर 9th जनरेशन माली GPU के साथ आता है और इसमें 2.69 इंच की होराइजोंटल LCD दी गई है जिसमें रेक्टेंगुलर पिक्सेल्स के बजाय रोम्बस पिक्सेल्स दिए गए हैं, जिससे ये प्रोजेक्टर 1080p के क्लोज की पिक्चर क्वालिटी डिस्प्ले कर पाता है। कंपनी कहती है कि इसमें दिया गया E-Core लाइट इंजन पिक्चर में जान फूंक देता है जिससे वो लाइव सी दिखती हैं। इसके अलावा इसमें दिया गया सॉफ्टवेयर डिकोडर रेनबो इफेक्ट हटाकर स्मूथ फ्रेम ट्रांजिशन देता है। क्रिस्टल क्लियर साउंड के लिए इसमें 5 वॉट का डीप बेस वाला हार्मोनाइज फ्रीक्वेंसी हाई फिडेलिटी स्पीकर दिया गया है जिसमें ऑडियो हाई वॉल्यूम पे भी डिस्टॉर्ट नहीं होने पाती है। इसमें ब्लूटूथ भी दिया गया है जिससे आप किसी भी साउंड बार को इससे वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 3.5 mm ऑडियो पोर्ट है जिससे किसी भी साउंड बार को कनेक्ट किया जा सकता है। इस प्रोजेक्टर के थ्रू 150 इंचेस का प्रोजेक्शन किया जा सकता है और इस प्रोजेक्टर का मैक्सिमम पावर कंजम्पशन 70 वॉट्स है। तो ये सब थी कंपनी क्लेम्ड स्पेसिफिकेशंस। अब आते हैं इस प्रोजेक्टर के रियल परफॉर्मेंस पे। सबसे पहले बात करते हैं इसे सेटअप करने की। तो इस प्रोजेक्टर को सेटअप करना आसान है। आप किसी टेबल टॉप या फिर ट्राइपॉड पे माउंट करके इसे स्क्रीन के सामने प्लेस करके प्रोजेक्टर को स्विच ऑन कर दीजिए। फिर रिमोट में दिए गए इन F+ और F- बटन की मदद से आप फोकस अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। ये प्रोजेक्टर और प्रोजेक्टर्स के मुकाबले ज्यादा बड़ी स्क्रीन बनाता है, तो अगर आपका रूम छोटा है तो प्रोजेक्टर की इंटरनल सेटिंग्स में जाकर आप जूम आउट फीचर का यूज करके इमेज को छोटा करके स्क्रीन पे फिट कर सकते हैं। इंटरनल सेटिंग्स में वर्टिकल कीस्टोन करेक्शन दिया गया है, उसमें जाने के बाद आप रिमोट में दी गई इस ओके की के ऊपर और नीचे वाले बटन्स को प्रेस करके इमेज का ओरिएंटेशन भी करेक्ट कर सकते हैं।
इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस काफी अच्छी है, या कहिए वन ऑफ द बेस्ट है जो मैंने किसी अंडर 10K के प्रोजेक्टर में देखी है। नॉर्मल कंटेंट्स देखते समय 130 इंच की बड़ी स्क्रीन पे भी पिक्चर्स में ब्राइटनेस की कोई कमी महसूस नहीं होती है। जो ब्राइटनेस मुझे इस प्रोजेक्टर पे देखने को मिली है वो कई कॉस्टली पोर्टेबल फुल HD प्रोजेक्टर्स में भी देखने को नहीं मिलती है। इंडोर सीन्स भी इस प्रोजेक्टर पे सेटिस्फैक्टरी दिखते हैं, बस कुछ बहुत डार्क सीन्स में थोड़ी और ब्राइटनेस की जरूरत दिखती है। हालांकि इतने कम प्राइस प्रोजेक्टर से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखना अनजस्टिफाइड होगा, लेकिन इसका अच्छा परफॉर्मेंस देखते हुए हमने इस पे बहुत डार्क सीन्स चलाकर भी टेस्ट किए। इसके अलावा इस प्रोजेक्टर का कलर रिप्रोडक्शन इस प्राइस के प्रोजेक्टर के लिए बहुत ही शानदार कहा जाएगा। कलर्स को मीडियम टेम्परेचर और 70 के आसपास की सैचुरेशन पे रखने पे कलर्स बहुत ही वाइब्रेंट और डीप दिखते हैं, जिससे पिक्चर्स कलरफुल और अट्रैक्टिव लगती हैं। ब्लैक्स भी इस टीवी पे सैटिस्फैक्ट्री मिल जाते हैं। पिक्चर्स में अच्छी डिटेल क्लैरिटी के साथ अच्छी शार्पनेस भी देखने को मिलती है। आप इस प्रोजेक्टर पे मूवीज बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, और ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है। जो पहली बार प्रोजेक्टर में स्विच ओवर करेंगे उनको इस प्रोजेक्टर की पिक्चर क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी। 60Hz रेफ्रेश रेट के साथ आने वाले इस प्रोजेक्टर में मोशन ब्लर की भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखती है, बस फास्ट एक्शन सीन्स में कभी कभी ब्लर दिख जाता है। इस प्रोजेक्टर का सेट टॉप बॉक्स परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है। HD और SD दोनों ही चैनल्स इस पे काफी अच्छी क्लैरिटी के साथ डिस्प्ले होते हैं। ये स्मार्ट प्रोजेक्टर नहीं है, इसलिए आपको इसके साथ एंड्रॉइड टीवी बॉक्स या फिर टीवी स्टिक लेनी होगी। मैंने ये वीडियो Xiaomi 4K टीवी स्टिक के थ्रू बनाई है। YouTube में ये प्रोजेक्टर 4K सपोर्ट दे देता है और बाकी एप्लीकेशंस में फुल HD सपोर्ट मिल जाता है। इस प्रोजेक्टर ने हार्ड ड्राइव सपोर्ट नहीं की, लेकिन 64GB की पेन ड्राइव इस पे स्मूथली रन हुई। इस प्रोजेक्टर ने फुल HD वीडियोस को अच्छे से सपोर्ट किया और सारे फुल HD कंटेंट्स लगभग फुल HD क्वालिटी में ही प्ले होते दिखे। सबसे बड़ी बात इस प्रोजेक्टर की ये है कि 720p नेटिव रेजोल्यूशन होते हुए भी इस प्रोजेक्टर की प्रोजेक्ट की गई इमेजेस में पास से भी स्क्रीन पे ज्यादा पिक्सेलेशन नहीं दिखता है, और 10 फीट से अधिक की दूरी से पिक्चर्स काफी रिफाइंड दिखती हैं। ऑडियो की बात की जाए तो इस प्रोजेक्टर की ऑडियो सफिशिएंटली लाउड और क्लियर है। अगर आपका रूम 12x15 का भी है तो आप इस पे डायलॉग्स क्लियरली सुन सकते हैं। मुझे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि मुझमें हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने बेटे को तुम जैसे नीच गायकवाड़ों से दूर ले जा सकूं। क्या पता घर वापसी हूँ और एक्स्ट्रा बैगेज अलाउड नहीं हूँ। आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं। देखो जैसे आशीषों का सर पे ये हाथ धरे, हल्की ठंडी हवाएं अपने संग चले। 5 साल पुरानी फिल्म कितनी बार देखे, आप अपनी ड्यूटी करो ना। और अगर आपको सिनेमा हॉल जैसा एक्सपीरियंस चाहिए तो उसके लिए इस प्रोजेक्टर में 3.5mm ऑडियो पोर्ट दी गई है, जिससे आप इसे किसी भी साउंड बार से कनेक्ट कर सकते हैं। तो एंड में मैं यही कहूंगी कि ये प्रोजेक्टर अपनी कीमत से कहीं ज्यादा वैल्यू देता है। अगर आपने अभी तक किसी प्रोजेक्टर को एक्सपीरियंस नहीं किया है और सिर्फ छोटे साइज के टीवी से ही काम चला रहे हैं, तो मेरी ये सलाह है कि आप इस प्रोजेक्टर को खरीद कर एक बार बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस जरूर लें, जिससे आपको पता चले कि आप अभी तक क्या मिस कर रहे थे। जाइंट स्क्रीन पे मूवीज देखने का अपना अलग मजा होता है, जो कभी भी आपको किसी टीवी से नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।